अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानी खान और आप देख रहे हैं इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट का नया एपिसोड। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक कई बातें गर्दिश में हैं। लोग कह रहे हैं कि इसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके एसेट्स हैं, इन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने तरीक़ेकार इख्तियार किया है उसमें मसाइल हैं और जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है वो कानून से मावरा है। कुछ लोग इसमें ऑडिट ओवरसाइट के इश्यूज से लेकर प्रोसीजर्स को की वायलेशन तक देख रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ब्रोकर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को, जनाब हमाद कीहर और आदिल गफ्फार साहब। आदिल गफ्फार साहब एंड हमाद कीहर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट और बोर्ड ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि जिनको मार्केट में आम इन्वेस्टर और हमारे जैसे लोग भी कंट्रोवर्शियल करार दे रहे हैं। इन फैसलों की वजह से इन्वेस्टर्स में बेचैनी है, पीपल आर कंसर्न कि ये वाले फैसले किस तरीके से हो जाते हैं, क्या फैसला साजी का अमल जो है वो मसाइल का शिकार है, या जो रिकमेंडेशन वाली मैनेजमेंट है उसको नॉलेज नहीं है, या फिर किसी के इंटरेस्ट को ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मामला है नाज़रीन कोई बिलियंस में PSX की इमूवेबल प्रॉपर्टी का। हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज की एक ओल्ड बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे मिसमार किया गया, फिर वहाँ पर एक पार्क की तामीर की गई और फिर कहा यूँ भी जाता है कि हर MD इस चक्कर में था कि वो चाइनीज़ को एंटरटेन करने के लिए इस लैंड को औने पौने दामों किसी को थमा दे। अब हुआ यूँ है कि बोर्ड ने कहा यूँ जाता है कि बग़ैर किसी ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए इस ज़मीन को तकरीबन बेचने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। बोर्ड के मिनट्स जो हैं वो कमीशन के पास हैं। आज हमने हमाद कीहर साहब को और आदिल गफ्फार साहब को तकलीफ़ इसलिए दी है कि नाज़रीन के साथ शेयर किया जा सके कि ये मामला दरअसल में है क्या, और फिर इसमें कानूनी पेचीदगियाँ अगर हैं तो वो क्या हैं, अगर कहीं पे कोई किसी बात में सुकम रह गया है तो वो क्या है। हमाद साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ओवरव्यू दे दें और फिर हम आदिल गफ्फार साहब से इसकी तफसीलात पे बातचीत कर लेंगे। थैंक यू सानी। आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप दूसरी साइड को भी बुला लेते तो उनका व्यू भी मिल जाता और फिर डिबेट करते तो बेहतर होता, मगर गुजारिश ये ज़रूर करूँगा कि आप उनसे व्यू ज़रूर ले लीजिएगा और नाज़रीन के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है। होलिस्टिक अगर मैं पिक्चर बताना चाहूँ आपको, ये हम समझते हैं, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये जो ड्यू प्रोसेस है वो सही फॉलो नहीं किया गया। ऑलमोस्ट हाफ जो प्रॉपर्टी है वो एसेट्स जो हैं, वो सेग्रीगेशन जो हुई है वो रफली अबाउट 4 बिलियन की है, इफ़ नॉट लिटिल मोर, और वो आपने हाफ जो है साइड पे कर दिया और PSX को अलहदा कर दिया है। अगर आप उसकी अर्निंग्स जो रेवेन्यू है कंपनी के उससे आप डिवाइड करते हैं, सिंस जो बेस छोटा हो गया है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ जाता है, स्पेशली जब आप डिप्रिसिएशन उससे निकाल लेते हैं, सो आपका फिगर बहुत अच्छा हो जाता है। इसको अगर आप कहना चाहेंगे तो ये फाइनेंशियल जगजरी भी में आएगी, और अगर आप लोकल लव्स में बोलेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ क्रूड वर्ड है, बट टोपी ड्रामा भी कह सकते हैं इसको। सॉरी, बोली जी, ठीक है, प्लीज़। अच्छा, उस हवाले से मैं जो बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था कि PSX ने एक प्रपोज़ल दिया जो कि बोर्ड में गया, बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया। मैं यहीं रोकूँगा बात को कि बोर्ड के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी अप्रूव करने की, वो सिंपली एक EOGM कॉल करता। EOGM में अगर उसको रेजोल्यूशन मिल जाता अबाउट 75% का तो वो पास हो जाता और सिंपल सी बात ख़त्म हो जाती। और यहीं पे अगर ये गलती हो भी गई, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है अर्नस्ट एंड यंग इज़ अ वेरी बिग इंटरनेशनल नेम, उनने भी इसको शायद ओवरलुक कर लिया या उसकी वज़न नहीं ली या उसको गेज सही नहीं कर सके, आई डोंट नो क्या बात थी उसमें, बहरहाल उनने भी उसको ओवरलुक करके ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में एक्सेप्ट करके जाने दिया। IFRS आदिल भाई क्लियरली बता देंगे कि IFRS 5 इज़ वेरी क्लियर कि एक पीरियड होता है 12 मंथ्स तक आप कर सकते हैं इसको, उसके बाद लैप्स हो जाता है, बट
इशू वो नहीं है, इशू ये है कि आप 183 के अगर सेक्शन से चलते भी हैं कंपनीज एक्ट से, तो आपको पता लग जाता है कि एक्चुअल प्रोसीजर करना क्या है। एक सिंपल सी बात बोलूँगा सनी, वो ये है कि हर मज़हब में हर माशरे में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉलो करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सिंपल सी बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इस पर्टिकुलर केस में आई थिंक कंपनीज एक्ट 2017 एंड IFRS का 5 का हवाला है, तो वो बहुत क्लियर है। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू स्टेट एट दिस टाइम। आदिल साहब, ये वाली बात जो ख़ास तौर पे कही जा रही है कि कानून से हटकर ये ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, तो कानून में कहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं हो सकती? देखिए हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमाद साहब ने बहुत अच्छा एलोबरेट किया इस चीज़ को। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट चाहती क्या थी? स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हम अपने ऑपरेशंस को अलग करना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टी को अलग करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज की जो बैलेंस शीट है वो इस वक्त 10 अरब रुपए करीब थी लास्ट ईयर, उसमें से तकरीबन 4-4.5 अरब रुपए के प्रॉपर्टी की कंपनी अलग बनाना चाह रही है, वो प्रॉपर्टी की, ठीक है। जब वो ये काम करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आया कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर्स हैं कि वो ये काम कर सकें। तो हमने कंपनीज एक्ट 2017 को खोला, सेक्शन 183 पढ़ा, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 183 का सब सेक्शन 3 है, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ ए कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग कि वो ये काम कर सकें। और वो काम कौन से हैं? वो सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग और अ साइजेबल पार्ट देयर ऑफ। यानी वो ना बेच सकते हैं, ना लीज करवा सकते हैं या कर सकते हैं, और ना ही अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब अदरवाइज डिस्पोज ऑफ के अंदर अगर मैं मजीद घुसना चाहूँ तो मुझे कंपनीज एक्ट 1913 में जाना पड़ेगा। जब मैं कंपनीज एक्ट 1913 में जाके उसका ये सेक्शन कोड देखता हूँ पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स का। आदिल साहब, मैं एक क्लैरिटी ले लूँ इफ यू डोंट माइंड। जी जी श्योर। ये बताएं कि ये डिस्पोज ऑफ तो नहीं है, दे आर जस्ट स्पिनिंग ऑफ अनदर कंपनी। मैं वहीं आ रहा था। जब मैं अदरवाइज डिस्पोज ऑफ की डेफिनेशन में अंदर घुसता हूँ तो पिछले कंपनीज एक्ट 1913 में वर्ड लिखा हुए थे ट्रांसफर। ओके, अब आप समझ गए मेरी बात। देखें ये है तो ट्रांसफर ना, इस बैलेंस शीट से निकलकर एक नई कंपनी बनेगी, राइट, ठीक है। और होगा क्या सानी साहब, अगर आप ये पास फर्ज करें इस वक्त 1 मिलियन शेयर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगी ये कंपनी और आपसे 5 लाख शेयर वापस ले लिए जाएंगे और आपको उस नई कंपनी का PSX रीट कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस्लामाबाद रीट कंपनी है, right. इसलिए मैं नाम ऐसे ही दे रहा हूँ, PSX रीट कंपनी के 5 लाख शेयर दे दिए जाएंगे, right. आप एज अ शेयर होल्डर वहीं खड़े हुए, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता। ये IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 की रिक्वायरमेंट हो गई, इस वजह से ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। लेकिन दर हकीकत, और एक तो ये एंगल आ गया कि तो वो आदिल साहब इसमें क्या मसला बढ़ जाएगी है यार, अगर मैनेजमेंट 1-2-4 बोनस ले जाती है, वो थोड़ी सी नेकी कर रही है, मेहनत कर रही है, इसमें आपको प्रॉब्लम है? सर पहले मुझे याद पड़ता है पिछले ज़माने में, मुझे इस बार का तो नहीं पता, लेकिन पिछले जो MD गुजरे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में शायद ये था कि मार्केट की प्राइस कितनी होगी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर की उस पर, और अर्निंग कितनी होगी उस पर उनके बोनसेस वगैरह जो थे वो अटैच होते नॉर्मली। लेकिन सर देखें ये नेकी भी आप लोगों ने की कि 28 रुपए की वैल्यूएशन साहब के दोस्त बैठे हुए थे जिन्होंने की थी, और आज आप देख लें क्या किया हुआ है बाजार का हाल, और बाजार तो माशाल्लाह अच्छी एक महीने से, बट PSX के शेयर का आपने जो हाल किया हुआ है उसका भी जवाब देना होगा सर आप लोगों को। सर बिल्कुल, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये चीज़ें कॉन्फिडेंस को शैटर कर रही हैं। बिल्कुल ठीक, ये चीज़ें नहीं होती हैं तो
कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। अब देखिए बोर्ड के पास तो ये पावर नहीं था, ठीक है, बोर्ड। और अच्छा, इसमें और मजीद इस सेक्शन को अगर हम और इवेल्यूएट करें तो उसमें साइजेबल पार्ट को डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट ने, और वो कहता है किसी भी एसेट का 25% से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज, इवन ट्रांसफर, डिस्पोज, इवन ट्रांसफर विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम द जनरल बॉडी। जनरल बॉडी, अब जब जनरल बॉडी में आप जाते हैं, मैं हम आज की बात को और आगे करता हूँ, आप जब जनरल बॉडी में जाते हैं तो आपको मिनिमम 75% वोटिंग पावर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ स्पेशल बिजनेस में आएगी, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन बनेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मिनिमम 75% की रिक्वायरमेंट है, कानून की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 66। जी ठीक है सर, तो ये रीज़न है। अब हुआ क्या कि मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ऑडिटर्स ने, ख्याल नहीं है, मैंने पढ़ा उनकी ऑडिटर्स की रिपोर्ट को, ENY की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने मैनेजमेंट से इंटरव्यू लिया और मैनेजमेंट से डिस्कशन की, उन्होंने मैनेजमेंट की लिफ्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट नहीं किया। अगर वो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट करते तो उस तारीख को 19 जून 2019 को स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की जो कंपोजिशन की कैटेगरी, थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, यू हैव गॉन टू ENY और आप ऑडिट कमेटी को की बात नहीं करना चाहते। नहीं, मैं वहाँ पे भी आऊँगा सर, मैं वहाँ पे, क्योंकि ये AGM में सवाल उठा था, ENY से सवाल भी किया गया था। सारी चीज़ें ऑडिट कमेटी से गई और ऑडिट कमेटी ने थ्रू की, एंड सॉरी टू से आप ही लोग बोर्ड में बैठे होते हैं, कोई सारे के सारे चाइनीज पे नहीं डालेंगे। नहीं नहीं, माजर के साथ हम लोग बोर्ड पर नहीं है, स्टॉक ब्रोकर्स कैन नॉट बी ऑन द बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ आप इनइक्विलिब्रियम है बोर्ड के ऊपर। आप देखें बोर्ड की 100% शेयर होल्डिंग पर 14 डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, तो 7 इलेक्टेड हैं। इन 7 इलेक्टेड में से 40% की बेस पर 4 सीटें चाइनीज को दी गई। मुझे बता दें नॉमिनेशन कमेटी में कौन है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, बताएं सर। ये तो PSX की मैनेजमेंट आपको बता सकती है। आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट। यू हैपन टू बी अ की स्टेक होल्डर, यू टेक ऑल द डिसीजंस, और अब लोग कह रहे हैं कि हाथ हो गया है तो नाउ यू आर सेइंग नहीं, नॉट एट ऑल। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, इसीलिए पॉइंट हमने रेज किया कि ये फाइनेंशियल जगलरी को रोका जाए। नहीं सर, मुझे ऑडिट कमेटी के बताएं कि हाउ कम दिस वेंट थ्रू ऑडिट कमेटी। ये तो आप PSX की मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं ना, हम कैसे बता सकते हैं। किसी भी ऑडिट कमेटी के चेयरमैन उस वक्त मसूद नकवी साहब थे सर, वो तो पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन है, उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे ये बता दें कि किसी एक बोर्ड मेंबर ने जो ब्रोकर कम्युनिटी से रिलेट करता है, किसी एक से आपने बात की? जी, मैंने AGM में खड़े होकर ये सवाल किया और बोर्ड मेंबर्स ने, मेरा ख्याल है इस पर किसी ने, बट डिड यू आस्क कि यार आप बोर्ड में बैठे हुए थे, ऑडिट कमेटी ने इसको नहीं देखा? उनके पास जवाब नहीं। जी, उनके पास जवाब नहीं सर इस बात का। ओके ओके, और उनको लिफाफा लेटर भी दिया गया था कि ये सवाल जवाब है। लिफाफों के तो बहुत सारे मसले, वो लिफाफे की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं बड़ा साफ कि मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से भी कह रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू फारूक कि वो हमें अपना व्यू दें, हमसे बात नहीं करना चाहते तो रिकॉर्डेड व्यू भेजें, बिकॉज ये हमारा और लोगों का हक है, शेयर होल्डर्स का हक है कि वो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू करें। सर, गोइंग फॉरवर्ड में आपको एक बात बता दूं। जी सर, गोइंग सो ऑडिट में वी आर एग्रीइंग कि इट वाज अ लैप्स फ्रॉम ऑडिट साइड। या ऑडिट कमेटी का तो लैप्स हुआ है, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि एक नॉर्मली एक चक्कर ही होता है नॉर्मली कि एक रूटीन है, एक ऑडिटर जब किसी कंपनी में जाता है, फॉर एग्जांपल मैं नाम लूँगा, मकसद कुछ और है, लकी सीमेंट है, या डीजी खान का ऑडिटर जब जाता है डीजी खान में ऑडिट करने के लिए, तो उसके जो जब ऑडिटर जाता है तो उसको पता होता है कि इसके स्पॉन्सर के पास एटलीस्ट 51% होल्डिंग है, इसलिए वो जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेगी वो मेजर शेयर होल्डर का डिसीजन होगा। लेकिन इस चक्कर में, इस कंपनी में जब ऑडिटर ने ये डिसीजन को देखा, तो उसने अगर लिफ्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की व्हील को
लिफ्ट कर लिया होता तो उसको मालूम चल जाता कि किसी के पास भी 51% शेयर होल्डिंग नहीं है। मैं ज़रा शेयर कर लेता हूँ अपना स्टेटिस्टिक्स उस 19 जून 2019 के, चाइनीज़ के पास 40% था, फॉरेन शेयर होल्डिंग जो थी 15.05% थी, और लोकल पाकिस्तानी शेयर होल्डिंग 44.95, तो मुख्तसर 45, 15 and 40% थी होल्डिंग, तो किसी के पास भी 75% नहीं था ना। सर जो नॉमिनेशन कमेटी है यही तो अक्सरियत एक्चुअली बनाती है, अब तो SEC भी बीच में नहीं रहा, यू पीपल डिसाइड एंड नॉमिनेट पीपल फ्रॉम राइट सेंटर लेफ्ट एवरीबडी, मैनेजमेंट के लोग और क्या चार चाइनीज और मैनेजमेंट के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। आर यू आस्किंग मी टू गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज दिस? आपका प्रेरोगेटिव है, आप कर सकते हैं। एनी पाकिस्तानी शुड डू दिस, एनी पाकिस्तानी कैन डू दिस बेसिकली। नाज़रीन वक्त हुआ एक वक्फे का, हमास साहब और आदिल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, वक्फे के बाद हम गुफ्तगु जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि देयर सीम्स टू बी एन ओवरसाइट एट द एंड ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और फिर हमने देखा कि एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ऑडिटर है, उसने भी कुछ चीज़ों को बहुत ही क्लियरली और माइन्यूटली देखकर कहा कि यस देयर अपीयर्स टू बी अ लैप्स। सो अब हमारे साहब आप थोड़ी सी हमें तफसील बताएंगे कि ये वाली चीज़ें आज किस स्टेज पे हैं और इसमें अगर फर्दर चीज़ें कुछ बेहतर करनी है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट एक्शन? एक मिनट, मैं पहले तस्दीक कर दूँ आपको कि ऑडिटर ने ये नहीं कहा कि लैप्स है, यही तो शिकवा है, यही तो ऑडिटर ने शिकवा है, उन्हें कहना चाहिए था कि यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपने ओपिनियन में ये लिखा है कि इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट 2017, सो उनका यही शिकवा है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था और उनको एम्फेसिस पैराग्राफ डालना चाहिए था कि कानून की पासदारी नहीं हुई है, ये वायलेशन है कानून की। सो हेयर वी कम टू अ पॉइंट वेयर वी आर सेइंग देयर इज अ डिफरेंस ऑफ व्यू बिटवीन यू एंड द ऑडिटर एंड द PXX मैनेजमेंट। जी सर, राइट, मैंने पहले भी जिक्र यही कहा था, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कि एक्सटर्नल ऑडिटर विच इज़ अ वेरी बिग नेम अंश यांग, उनने ये शायद ना पिक किया, या उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है या हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग है, तो उस हवाले से आई डोंट नो कि हम कहाँ खड़े हैं या वो कहाँ खड़े हैं, बट लॉ क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ सानी साहब, देखें कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है 89 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो अपना कैपिटल रिडक्शन करने जाएगी, विच कैन ओनली बी डन थ्रू कोर्ट। ओके, कोर्ट ऑर्डर के बगैर वो काम नहीं हो सकता, और कोर्ट में जाने से पहले इनको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए अपने मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, वो स्पेशल रेजोल्यूशन जिसके पास 75% एटलीस्ट मिनिमम वोटिंग हो और वो उससे पास हुई भी हो, तब वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाएगी पास हुई भी, और फिर वो कोर्ट में जाएगी और कैपिटल रिड्यूस होगा और दूसरी कंपनी साथ में खड़ी होगी। पिछले 1.5 साल में या 15 महीने में ये काम नहीं हो सका। IFRS कहता है कि आपके पास 12 महीने हैं, कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 183 सब सेक्शन 5 कहता है कि 1 साल के बाद ऐसी हर वो बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास की गई है वो लैप्स हो जाएगी। ओके, इसलिए मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इस बार ग्रैंड थॉर्नटन ये गलती रिपीट नहीं करेगी। अंडरस्टूड, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये वाली चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हो जाती है और एक कोई भी एंटिटी इसको लेती है और वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाती है, तो इसमें कोई मसला है आपको? इसमें क्या मसला है? यानी 44 मंजिला एक टावर बन जाए और उसमें आपके चाइनीज़ भाई भी हों, आप भी हों, अकील भाई भी हों, आरिफ भाई, इसमें क्या मसला है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मसला कोई नहीं, आई थिंक रियल इस्टेट डेवलपमेंट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, उसमें हमें कोई आई थिंक इशू नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो हमें इशू आ रहा था वो एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, दैट वॉज एन इशू। रियल इस्टेट डेवलपमेंट होती है, माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ वहाँ से जो है हम एक ब्रिज बनाएं डायरेक्टली वो अपना क्वींस रोड पर कनेक्ट करें, right. हम सीधा मतलब चंडीगढ़ रोड आई नहीं और डायरेक्टली वहीं से चले जाएं। इनिशियली प्लान ये इस तरह का भी था? नहीं, मैं आपको मैं आपको इसमें थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। हम चाहते हैं कि हम सब, मेरा मतलब है रेगुलेटर्स के साथ साथ एवरीबॉडी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स पर कंपनीज को मर्ज कर दिया जाए।
ओके, NCCPL भी मर्ज हो जाए, CDC भी मर्ज हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज में सब आ जाए। पहले 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थी, इसलिए अलग अलग NCCPL का इसलिए अलग ये कंपनीज बनी हुई थी। अब क्योंकि एक ही हो गई है डिमेटलाइजेशन के बाद, तो अब ये सारी कंपनी सारे काम एक ही कंपनी में हो जाएँ ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाए। हर कंपनी का अलग MD नहीं होगा, CFO नहीं होगा, मार्केटिंग डायरेक्टर नहीं होगा, बोर्ड नहीं होगा, ब्ला 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 एंड सो एंड सो फोर्थ। CFO नहीं होगा फॉर एग्जांपल, CFO को तो काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह से जब हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी एक कंपनी को दो कर रहा है, दो अलग मुख्तलिफ बात, एक प्रॉपर्टी रीट कंपनी बना रहा है, एक ऑपरेशनल कंपनी बना रहा है। जबकि हम कह रहे हैं कि जी NCCPL भी मर्ज हो जाए, CDC भी मर्ज हो जाए और स्टॉक एक्सचेंज भी मर्ज हो जाए। एक तरफ तो रेगुलेटर ये चाह रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे कंपनीज अलग बन रही हैं, इसलिए कॉल और फेल में तजाद है। सो अभी रिसेंटली इस टॉपिक में दोबारा आता हूँ, आप लोगों ने कोई अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लेटर भी लिखा है और आपने उस सिलसिले में कोई सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से मुतालिक भी कुछ गुजारिशात की हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताना पसंद करेंगे? आप बताएं। एक कानून है, देखिए सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के अम्ब्रेला में बहुत सारे रेगुलेशन बनाने की परमिशन है SEC को। उसमें उन्होंने एक रेगुलेशन बनाया है, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017। उस रेगुलेशन के अंदर उसका सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसमें उन्होंने 2018 में 17 में जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स लिस्ट हुए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी आप स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो स्पॉन्सर्स की डेफिनेशन में आते हैं। हमने एतराज़ उठाया और हमने प्रूफ किया कि हम स्पॉन्सर्स की डेफिनेशन में नहीं आते। 2018 मार्च को हमने वो ख़त लिखा, उसके बाद वो हर चेयरमैन, जो जो चेयरमैन आया 2018 मार्च के बाद से लेके आज तक, हमने हर चेयरमैन के साथ उसको प्ली किया और सेटिस्फाई किया उसको, और 2019 में अगस्त 2019 में आकर जो रीसेंट अभी करंट चेयरमैन हैं आमिर खान साहब, उन्होंने उसकी परमिशन दी कि हाँ जी आप स्पॉन्सर की डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए अब हम आपके जो शेयर्स हमने फ्रीज किए हुए थे वो रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ तो उन्होंने कर दिए। ओके, 17 महीने पहले 2018 मार्च में जब हमने ये ख्वाहिश का इजहार किया था, उस वक्त शेयर की प्राइस थी 26 रुपये। जिस दिन उन्होंने रिलीज़ किए उस वक्त शेयर्स की प्राइस थी 10 रुपये। ये 16 रुपये का जो लॉस आया है हमारे एक एक मेंबर को, उसके पास 1.6 मिलियन शेयर्स थे स्टॉक एक्सचेंज के, ये तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है सिर्फ एक डिसीशन जो टाइमली नहीं लिया गया और गलत तरीके से उसको रोका गया। उस वजह से सारे स्टॉक ब्रोकर्स को तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसका कौन जिम्मेदार है? सर देखें, पहले दिन तो ये नई बात हुई ना कि ये वाली बात ठीक है। इट टुक 1.5 ईयर टू कन्विंस देम, नो यस टू कन्विंस देम इन एक्चुअली डिसाइडिंग। दे वर क्लियर कि ये चीज ऐसे होगी, बट दे वर वर्किंग ऑन इट। नो, दे वर नॉट क्लियर एट ऑल, बिकॉज हमें वहां से खत भी आए SECP। डू यू हैव समथिंग इन राइटिंग? यस वी हैव समथिंग इन राइटिंग। हमें वहां से, मुझे नाम याद नहीं है, कोई आफरीदी साहब का खत भी आया SECP से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास ये अख्तियार नहीं है, क्योंकि हमने अपने लॉयर, आदिल साहब मुझे एक सेकंड के लिए रुकना होगा और आपसे एक और चीज़ पे क्लेरिफिकेशन चाहिए लेनी होगी। जी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेल्फ लिस्टेड एंटिटी, इसका रेगुलेटर आप मुझे बता दें कौन है? SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। आर यू सेइंग कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जिस एंटिटी को रेगुलेट करता है उसमें एज अ रेगुलेटर एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैं? PSX इज अ सेल्फ रेगुलेटेड एंटिटी, उसमें मसाइल हैं, आप ये कह रहे हैं? आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने, आप मुझे ये दोनों लेटर दे सकते हैं कि जी? बिल्कुल,
हमारे एसोसिएशन की दफ्तर से मिल जाएंगे आपको लेटर्स। आई वुड लव टू हैव दीज लेटर्स बिकॉज देखें आई हैपन टू बी अ मेंबर ऑफ इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इसने ये जो ऑयल की प्राइसिंग से रिलेटेड 3-4 साल से मसाइल चल रहे थे, ये मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट दी और उसकी रोशनी में गवर्नमेंट ने अब फैसला किया कि अब 15 दिन में ऑयल की प्राइसेस चेंज होंगी। हम मेरिट पर अगर ये बात ठीक है तो हम गवर्नमेंट को गोश गुजार करेंगे कि ये लैप्सेस हैं, ये सीरियस इश्यूज हैं, गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। गवर्नमेंट कैन नॉट सिंपली इग्नोर इट। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सो सर, आप जब ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले भी राइटिंग में एक चीज़ थी एंड इन कंट्रडिक्शन ऑफ द सेम 1.5 साल बाद वही फैसला दिया गया, क्या कर सकते हैं? हमारी फेवर में फैसला दे दिया। Okay. जब 1.5 साल बाद हमारी फेवर में फैसला आया, उस वक्त तक शेयर की वैल्यूएशन जो है 16 रुपए गिर चुकी थी। और अब्दुल हफीज शेख साहब की तरफ से आपको कोई जवाब मौसूल हुआ है? नहीं, अभी रिसेंटली गया ये लेटर। Okay. तो आई थिंक इट विल टेक टाइम फॉर इट। पहले भी तो काफी लेटर लिखे गए हैं ना, उसके तो मेरे ख्याल काफी जवाब आ गए आप लोगों को। ये इसका वेट कर रहे हैं, इसका ओके ओके। सो आदिल साहब, वी वुड लाइक टू कंक्लूड द शो हियर। आखिर में बस हम चाहेंगे कि पहले हमाद साहब आप कोई मैसेज देना चाहें, इसको सम अप करना चाहें, और कोई ख़ास चीज़ हो जो आप चाहें कि जिसके ऊपर मैनेजमेंट कमीशन या बोर्ड जिसमें रहनुमाई करे, गाइडेंस दे या वे फॉरवर्ड, वो कुछ एक्शंस लें, आप काइंडली पहले कह दें, फिर आदिल भाई आप कहिएगा। आदिल साहब, आई थिंक बड़ी सिंपल सी बात ये है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना रेगुलेटर के, ना किसी मैनेजमेंट के इशू के साथ। ये एक इशू था विच वी एड्रेस्ड एंड इट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड इन द राइट मैनर। ये एक चीज़ है जो कि इनको देखनी चाहिए थी। अब एज ऑफ टुडे मैं ये बोलने चाहूँगा, वो 2019 के अकाउंट्स थे, आज 2020 के अकाउंट्स हैं। ये 12 महीने से, बल्कि 15-17-18 महीने हो गए इस बात को। तो अब IFRS 5 के तहत, तो जैसे आदिल भाई ने बोला कि ये लैप्स हो गया, अब आई थिंक इफ दे कम अप विद सम अदर बहाना तो वो कोई अलग बात है। थैंक यू आदिल साहब, आप बताएं व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, बिकॉज आप नहीं समझते कि EOGM कॉल होनी चाहिए? आप रिक्विजिशन नहीं कर सकते? नहीं सर, हम रिक्विजिशन नहीं कर सकते क्योंकि डिमिटलाइजेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि किसी भी मेंबर के पास 1% ज़्यादा होल्डिंग नहीं होगी। सर, डिमिचुलाइजेशन एक्ट का सेक्शन 22 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। करेक्ट। मुझे लोग जब कहते हैं कि वो ऑर्डिनेंस मर गया अपनी मौत, वो लैप्स हो गया, दैट्स नॉट अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ भाई? सर, वो हर एक का अपने अपने व्यूज हैं उसके अंदर, यानी जिसका जहाँ फायदा है उसका वहीं पे व्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन वो कहता है कि जी 1% से ऊपर की आप होल्डिंग नहीं रख सकते, इसलिए EOGM कॉल हम नहीं कर सकते, हमारे पास मेजॉरिटी होनी चाहिए जिसके बाद हम EOGM कॉल करेंगे। ये तो स्टॉक का फर्ज है। आप ये कह रहे हैं कि 4 डायरेक्टर्स और नॉमिनेशन की पावर के साथ आपने मेजॉरिटी ले ली एंड यू आर डिसाइडिंग and you people cannot just do anything. Are we saying this? Correct. Adil sahab aur Hamad sahab, aapki aamad ka bahut bahut shukriya. Nazreen, waqt hua hai ek waqfe ka, milte hain ek waqfe ke baad. Welcome back Nazreen. Nazreen, aaj ke program mein PSX ki movable property se mutalliq jo discussion hua, that was very clear and open. Hence, we would not like to have any further comments on that. Nazreen, इस हफ्ते में PSX ने, investors ने और जो stock exchange में trading करते हैं उन लोगों ने चंद नई चीज़ों को देखा। पाकिस्तान stock exchange में 2 IPOs जो हैं वो तो उनकी trading start हुई, I mean TOMC की organic meat company की थोड़ा सा पहले हो चुकी थी, और ट्रैकर पाकिस्तान लिमिटेड की जो ट्रेडिंग है वो रिसेंटली स्टार्ट हुई, और तीसरी एक चीज़ जो PSX के इन्वेस्टर्स ने देखी दैट वाज द लिस्टिंग ऑफ आईबैक्स ऑन नेस्टेक। इन तीनों IPOs में एक चीज़ कॉमन थी और वो चीज़ थी इनकी ओवर प्राइसिंग। आईबैक्स को हमने देखा कि $19 पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ और आज के दिन तक इसकी प्राइस जो है वो $14.90 का लो बना चुकी थी, और इस स्टॉक में नेस्टेक में उतना इंटरेस्ट नहीं देखने में आ रहा जितनी इसकी शुनीत थी।
हमने देखा कि 27 अप्रैल को टीआरजी की प्राइस जो है वो महज 11-12 रुपए थी और ये इस वक्त जो है 53-54 रुपए के आसपास है और 59 का इसने हाई भी बनाया। सो ये जो सेंटिमेंट थे कि आईबैक्स के आने से ये स्टॉक कहाँ चला जाएगा, वो बातें बहरहाल अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, बट आईबैक्स ने उस तरह की उम्मीदों में लोगों का साथ नहीं दिया जिस तरह की उम्मीदें लोग लगाए हुए बैठे थे। दूसरे नंबर पर टीओएमसी का स्टॉक है। टीओएमसी में वी हैव ऑल सीन कि इसमें रिटेल की पार्टिसिपेशन कितनी थी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कितनी थी, और अब इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें रेगुलर और इंडियन मार्केट के रेशोज़ भी लोगों के सामने हैं। इसके बाद अगर हम आखिर में बातचीत करें ट्रैकर पाकिस्तान लिमिटेड का, जो इसको आईपीओ तो नहीं कहेंगे, इट वाज अ डायरेक्ट लिस्टिंग, और इसमें हमने देखा कि ये 12 रुपए से स्टॉक जो है तकरीबन 2-3 तो लोअर लॉक्स लगा चुका है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो 6 रुपए पर है और ये खुद जो है 12 रुपए में इसकी बहरहाल लिस्टिंग की इजाज़त PSX की इंतज़ामिया ने ड्यू प्रोसेस के बाद ही दी होगी बिकॉज कमीशन भी इसको देखता है। इसके बारे में लोग जो सवालात उठा रहे हैं और जो लोग चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट रिलेट्स टू द क्वेश्चन ऑफ गुडविल के कॉन्टेक्स्ट में जितनी वैल्यूएशन में इजाफा किया गया वो लोगों ने कितनी गुडविल खरीदी या नहीं खरीदी, ये लोग कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियरली विजिबल, और बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा कि रेगुलेटर्स गुडविल हंटिंग फिल्म को देखें, वो अगर इसको सही से देख लेंगे तो आइंदा फिर गुडविल के कॉन्टेक्स में शायद रेगुलेटर्स सही वैल्यूएशंस के फैसले और अप्रूवल्स दे सकेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों का वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।